हेलो गाइस एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा। सो सेशन नंबर 13 है नबार्ड आंसर राइटिंग का, एंड लास्ट क्लास के अंदर जो आपको क्वेश्चन दिया गया था दैट वाज रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर एक नोट लिखना था एंड दैट नोट वाज सपोज टू बी रिटन फॉर अ 10 मार्क क्वेश्चन। तो 400 वर्ड के अंदर ये आंसर आपको लिखना था। अभी तक इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास देखने को मिले, काफ़ी बच्चों ने आंसर्स इसके लिख करके भेजे। तो आंसर्स देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है काफ़ी जनरल कंसेप्ट है और 400 वर्ड जिसके ऊपर लिख पाना एक बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, इसको आप इकोनॉमिक्स की सेंस में भी ले सकते हैं, इकोनॉमी का भी एक टॉपिक बन जाता है। ठीक है, और आपके एग्रीकल्चर का तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही। मैं अभी फिलहाल बात करूंगा एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंसर जो बच्चों ने जितने भी मेरे पास आए उन आंसर्स के अंदर कोई कमी नहीं थी। ठीक है, और हो सकता है कि मैंने स्कोरिंग में जैसे बच्चों के, जब देखो मैं आपको बता करके चलता हूं कि नबार्ड आरबीआई जैसे जो एग्जाम्स हैं, एक चीज आप बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपने वर्ड लिमिट क्रॉस की आपके नंबर कटने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत सीरियसली लिया जाता है इन एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग को, क्योंकि एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, फट से पता चल जाता है। जैसे अगर आप कागज पेन से लिख रहे हो आंसर तो एग्जामिनर एक रफ आइडिया लेता है कि यार इतने वर्ड्स होंगे, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहां पर एक एक वर्ड को गिनने बैठा है। ठीक है, वो तो एक रफ आइडिया लेगा और उससे ही जो है लेगा कि वर्ड लिमिट क्रॉस हुई है या नहीं हुई है। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा, ही विल इमीडिएटली कम टू नो कि हाँ यार इसने वर्ड लिमिट को एडेयर किया है या नहीं किया है। तो वर्ड लिमिट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और जब मैं आपको स्कोर देता हूं तो मैं वर्ड लिमिट के नंबर भी अच्छे खासे काटता हूं ताकि आपकी आदत ठीक हो। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर अगर मैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं ना, तो देखो सारी बातें ठीक हैं, आप एडवांटेजेस लिख देते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के। ठीक है, जो मेरे को कॉमन पॉइंट्स मिले, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इस टाइप के फैक्ट्स सबने डाले हैं। ये कोई एक ऐसा बच्चा जो एग्रीकल्चर की नई भी तैयारी कर रहा ना, वो भी डाल देगा। ठीक है, उसके लिए भी मुश्किल काम नहीं है उस पॉइंट को डालना, वो कोई भी डाल सकता है। लेकिन कुछ एक आधे पॉइंट ऐसे डालो जो एक झलक दें कि आप नबार्ड के एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि भैया ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर वीट की कौन सी जीन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे जो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, या कौन सी वेराइटी थी। तो उस टाइप के पॉइंट्स होते हैं ना, वो एक आंसर को एज प्रोवाइड करते हैं। ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डालना है, लेकिन ये तो सब डालेंगे, आपको एज क्या मिल रहा है, तो वो एज आपने पकड़नी है। थोड़ा सा डाटा आपका होना चाहिए, जो आंसर्स थे मुझे उसके अंदर डाटा नहीं मिला। सबने ये लिख दिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। अभी अगस्त के अंदर 2022 में आपके फोर्थ एडवांस्ड एस्टिमेट्स आए थे 2021-22 के, वो फोर्थ एडवांस्ड एस्टिमेट्स का जिक्र वहां पर क्यों नहीं है, वो जिक्र होना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। तो वी वर हियर कि आंसर के अंदर एज पॉइंट्स, मैं आपको बता रहा था कि फोर्थ एडवांस्ड एस्टिमेट्स आए। ठीक है, अब फोर्थ एडवांस्ड एस्टिमेट्स आने के बाद आपने उसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया अपने आंसर के अंदर, आपने कुछ डेटा में रिफ्लेक्ट किया कि देखो आज के टाइम पे हमारी प्रोडक्शन इतनी है, तो वो कुछ एजी पॉइंट्स होते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है, इसके अंदर अगर आपने 400 वर्ड लिख दिए तो कोई बहुत 30 मार्क हानि का काम आपने नहीं कर लिया जब तक आप उसके ऊपर सितारे नहीं लगाओगे। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर सितारे लगाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और ये नॉन वीडियो कोर्स है यार, इसको एमसीक्यू कोर्स है, इसको जरूर एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा। इसका एक फ्री टेस्ट भी डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो क्वेश्चन, अब मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड। ये अगर किसी ने आंसर नहीं लिखा है तो वो दोबारा लिखे इस आंसर को, और कहीं पे पॉइंट्स हैं नंबर कम मिले आंसर में तो इन पॉइंट्स को यूज करके दोबारा आंसर लिखो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे का पूरा एज इट इज जो मैं दे रहा हूं पॉइंट्स वो लिखो,
पर यूज करो अपने आंसर में। सबसे पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन, वही बेसिक जो सब लोगों ने स्टार्ट किया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर जो टर्म है 1968 में डॉक्टर विलियम एस गॉड ने इस टर्म को क्वाइन किया था, ये पॉइंट ज्यादातर हर आंसर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है जी। एंड बेसिकली ये जो टर्म है ये क्या डिस्क्राइब करता है, ब्रेक थ्रू इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो अगर मैं ग्रीन रेवोल्यूशन को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो क्वांटम जंप, जब हम देखो रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन एक होता है चेंज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशन। ये दो चीजें हमेशा याद रखना। चेंज क्या होता है, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, ये विद टाइम धीरे 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 चेंज हो रहा है। रेवोल्यूशन क्या होता है, ये विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड अगर कोई मेजर चेंज आ रहा है तो उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आया तो क्या हुआ, रातों रात वहां पर सत्ता बदल गई, वो रेवोल्यूशन है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्वांटम जंप है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर, जिसके अंदर आप क्या यूज कर रहे हो, आप हाई यील्डिंग वेराइटीज का यूज कर रहे हो, आप फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हो, आप पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हो, आप इरिगेशन की एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, आप मल्टीपल क्रॉपिंग की बात कर रहे हो, आप मैकेनाइजेशन की बात कर रहे हो एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो सारा ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। अब सिचुएशन देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले प्रॉब्लम थी, हंगर की प्रॉब्लम थी, मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी देश के अंदर, एंड जो हमारा खाने की जो नीड थी हम वो इम्पोर्ट कर रहे थे, तो इंडिया का इम्पोर्ट बिल उस केस में काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तो ये आप कहीं ना कहीं पॉइंट्स इंट्रोडक्शन के अंदर डाल सकते हैं। फिर नॉर्मन बोरलॉग जो एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे, नोबेल अवार्ड भी मिला इनको और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनको कहा जाता है, इन्होंने बड़े पापड़ बेले, ठीक है, इन्होंने बड़े सारे लोगों के साथ इंडिया में भी काम किया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के साथ इन्होंने काम किया, बड़ी मुश्किल से इन्होंने भारत सरकार को परसुएड किया कि हाई यील्डिंग वीट वेराइटीज को इंडिया के अंदर लाया जाए, उसका ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाए, और फाइनली भारत सरकार ने इसको एग्री किया और 18,000 टन सीड हमने मेक्सिको से इंपोर्ट किए। एक तरीके से ये जो था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का ओरिजिन था इंडिया के अंदर, जब हम मेक्सिको से 18,000 टन सीड जो है इंडिया के अंदर लेकर के आए। इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को लीड कौन कर रहा था, लीड कर रहे थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इसीलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में शुरू किया गया तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए गए। वो ऑब्जेक्टिव क्या थे, पहला था शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी थी फूड की, जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट थी हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, हमें लार्ज नंबर ऑफ इम्पोर्ट्स जो है वो करने पड़ रहे थे। तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा ये था कि हम किस तरीके से उसको अचीव करें, किस तरीके से हम उसको टैकल करें, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म क्राइसिस, शॉर्ट टर्म जो हमारे क्राइसिस चल रहे थे उसको हमें डील करना था। लॉन्ग टर्म में हमने बोला कि यार हमारा एग्रीकल्चर जो है काफी पिछड़ा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में हमें अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर ही देश की इकोनॉमी बेस्ड है, एग्रीकल्चर के ऊपर ही रूरल एरियाज की डेवलपमेंट बेस्ड है, और एग्रीकल्चर के ऊपर ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बेस्ड है, क्योंकि जब एग्रीकल्चर रिसोर्सफुल होगा तभी इंडस्ट्री भी डेवलप करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, रूरल डेवलपमेंट, हर एरिया को डायरेक्टली ग्रीन रेवोल्यूशन इंपैक्ट करेगा, साथ ही साथ इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, मैकेनाइजेशन होगा तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में से जो वर्कलोड फ्री होगा वो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर जाएगा, एंड व्हेन इट विल गो टू इंडस्ट्रियल एरियाज तो कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ के अंदर काम करेगा। साइंटिफिक स्टडीज बूस्ट होंगी इंडिया के अंदर कि कैसे जो क्रॉप्स हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में विदस्टैंड कर सके, कैसे डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को बनाया जा सके, और ग्लोबलाइजेशन करनी थी एग्रीकल्चर की कि आप टेक्नोलॉजी को स्प्रेड आउट कर रहे हो नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के अंदर, और आप बड़े बड़े एग्रीकल्चरल एरियाज, बेसिकली एग्रीकल्चर का ग्लोबल ट्रेड एक तरीके से शुरू हो जाएगा जब कंट्रीज अपनी डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगी, ठीक है जी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए सबसे पहले वीट से इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जब हम मेक्सिको से 18,000 टन जो सीड्स हैं वो लेकर के आए, और जो वीट रेवोल्यूशन के अंदर जो वीट वेराइटीज थी उसके अंदर एक ड्वार्फिंग जीन था जिसने मेनली काम किया, बेसिकली जापानीज वेराइटीज थी ये, और जीन का नाम था नॉरिन 10, जिससे ये ड्वार्फ वेराइटीज इंडिया के अंदर डेवलप किए गए। सेमी ड्वार्फ वेराइटीज सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजो, ये CIMMYT ने डेवलप किए थे एंड इनको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1963 के अंदर। अब मेरे को आप कमेंट में ये भी बताएंगे कि CIMMYT की फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर्स कौन सी कंट्री के अंदर है। वीट की एक बार जब हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज को इंट्रोड्यूस किया उसके बाद हमने कहा कि चलो वीट में तो काम चल ही रहा है, राइस के अंदर भी काम शुरू करते हैं। तो राइस के अंदर हम एक ड्वार्फिंग जीन लेकर के आए, DGO वो जीन, ठीक है। तो बेसिकली
ये जो है एक अर्ली मेच्योरिंग वेराइटी था और इसको ताइवान से बेसिकली हम लेकर के आए थे, जिससे ड्वार्फिंग वेराइटीज राइस की इंडिया में डेवलप किए गए। एंड साथ ही साथ 1966 के अंदर ताइचुंग नेटिव 1 और आईआर 8 वेराइटीज को डेवलप किया गया, जो बेसिकली इसी जीन से डेवलप्ड वेराइटीज थी। तो पहले ये ताइवान में आई, फिर फिलीपींस में इसको लेकर के गए एंड अल्टीमेटली 1966 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। अब ये वाले पॉइंट्स ना मेरे को किसी भी आंसर में नहीं मिले, मैं मेनली इन पॉइंट्स को आंसर में ढूंढ रहा था। और मेरा रीजन इन पॉइंट्स को आंसर में ढूंढने का ये नहीं था कि अल्टीमेटली यार ये पॉइंट्स मैंने अपने लेक्चर के अंदर डाले हैं या अपनी स्लाइड के अंदर डाले हैं तो ये वाले पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं और हम एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, तो एज अ एग्रीकल्चर स्टूडेंट ये फिर हमारा फर्ज बन जाता है कि कुछ पॉइंट्स हमारे पेपर के अंदर ऐसे होने चाहिए जो रिफ्लेक्ट करें दैट वी आर द स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का जो क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जनरल एग्जाम के अंदर आएगा, ये आपके जो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स है ना, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड ऑल, उन सब के अंदर भी आ सकता है। तो कैसे अपने आंसर को आप जस्टिफाई करोगे? ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा भी जो स्कूल में पढ़ा है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का आंसर लिख सकता है, उसके अंदर कोई दिक्कत, कोई एक्सपर्टीज वाली बात नहीं आती है। उसके बाद एडवांटेजेस आप लिख सकते हो। अब एडवांटेजेस के अंदर डेटा नहीं है जब तक, तब तक मजा नहीं है, तब तक मजा नहीं है, तब तक वो मेरे हिसाब से अंदर आधा आंसर आधा अधूरा है। ठीक है, तो डाटा डालने की कोशिश करो, और ये तो कोई बहुत पुराना डाटा नहीं है। अगर आप पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने प्रीलिम्स दिया था, अगर आप फेज टू देने वाले हो, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि आप करंट अफेयर पढ़ते हो, मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि आप पीआईबी को फॉलो करते हो, मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि आपने मेरे करंट अफेयर्स की जितनी मैं वीडियोस डाल रहा हूं वो देख रहे हो। ठीक है, ये फोर्थ एडवांस्ड एस्टीमेट, थर्ड एडवांस्ड एस्टीमेट, इसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, अगर वो आपने नहीं किए हुए तो प्रॉब्लम है, वो डाटा थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब अगर आप देखो मैंने यहां पर डाटा किस तरीके से डाला है, सीरियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ स्पेशली फूड ग्रेन्स में, राइस, व्हीट, मेज, बार्ले का 1949-50 में 61 मिलियन टन पे थे, 78 तक आते आते जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छे से आ चुका था 131 मिलियन टन कर दिया, ऑलमोस्ट डबल, डबल से ज्यादा। ठीक है, एक तो मैंने पुराना डेटा हाईलाइट कर दिया, फिर मैं डेटा हाईलाइट कर दूंगा करंट का। ठीक है, उससे क्या होगा, एक तरीके से मेरा आंसर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि देखो इंडिपेंडेंस पे हम यहां थे, आज हम यहां है। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन कंटिन्यूअसली जो है काम कर रहा है देश के अंदर, पिछले 50 सालों में ड्रास्टिकली जो है इंक्रीज हुआ है। तो अब अगर आप यहां पे देखो, फोर्थ एडवांस्ड एस्टिमेट्स का मैंने यहां पर जिक्र किया है 21-22 का, जो अगस्त 2022 में डाटा रिलीज हुआ था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन 305.72 मिलियन टन हो चुका है। ठीक है, उसके अंदर राइस, व्हीट, न्यूट्री कोर सीरियल्स, अब ये सारा डाटा डालने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ फूड ग्रेन का डाल दो। ठीक है, फूड ग्रेन के साथ आप एक आधी क्रॉप का डाल दो, आप राइस का डाल दो, क्योंकि राइस था ना ग्रीन रेवोल्यूशन में, व्हीट था ना ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो आप डाल सकते हो कि राइस का जो था वो 130.29 मिलियन टन था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, जितना हम 1978 में टोटल कर रहे थे उतना तो हम अकेला सिर्फ राइस कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनमें से आप कोई भी पॉइंट डाल सकते हो, ये सारा डाटा मैंने दे दिया है आपकी रेफरेंस के लिए। लेकिन आप अगर सिर्फ मेनली ये भी डाल दोगे ना कि फोर्थ एडवांस्ड एस्टीमेट जो 21-22 में हुआ, उस टाइम पर हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 315.72 मिलियन टन का है, विच शोज द ग्रोथ गिवन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके आगे और एडवांटेजेस डाल सकते हो, रिड्यूस्ड इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन, बेनिफिट टू द फार्मर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रूरल एम्प्लॉयमेंट, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी है क्योंकि आप इजीली इसको कवर अप कर सकते हो। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ना मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी आंसर्स के अंदर, क्योंकि अगेन लिमिटेशंस ज्यादातर बस उसी एक एरिया पे फोकस कर रही हैं जो बच्चों ने डाली हैं कि जी रीजनल डिस्पैरिटी आ गई, दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन, लेकिन सिर्फ उसी लिमिटेशन के अराउंड कहीं ना कहीं आंसर घूम रहा है। तो लिमिटेशंस में देखो क्या क्या डालना है, हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी हो रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन से, बहुत सारी रिसर्च फाइंडिंग्स में ये देखने को मिला है कि यूरिया जो सोल सिर्फ नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है उसको ज्यादा यूज किया जाता है, एनपीके के जो बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज नहीं किया जाता। अब आप लोगों ने ये तो बोल दिया कि यार हमारे यहाँ पर फर्टिलाइजर का मिसयूज हो रहा है, लिमिटेशन है, न्यूट्रिशनल इंबैलेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट डालो ना उसके अंदर दमदार सा कि देखो जी रिकमेंडेड जो रेशियो है वो 4:2:1 का है एनपीके का, इंडिया के अंदर 6:7:2.4:1 चल रहा है, दम आता है आंसर के अंदर। ठीक है, दम आता है आंसर के अंदर, तो ये दम बहुत जरूरी है आपके आंसर के अंदर कि आपके आंसर जो है वो दमदार हो। इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का इंडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है। ठीक है,
क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए। इससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती इन पॉइंट्स में, जब आंसर में लिख रहे होते हैं फटाफट मारने होते हैं बस। एक्सेसिव जो केमिकल फर्टिलाइजर है उससे आपका सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो इरोजन को ज्यादा प्रोन हो जाता है, वाटर एंड विंड इरोजन। ठीक है जी। इंटेंसिव कल्चरल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाने लगी हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से। सस्टेनेबल प्लानिंग नहीं है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ लैंड हो रहा है। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज को पूरे तरीके से भूल चुके हैं, जिसकी वजह से लैंड रिसोर्सेज के ऊपर सिवियर प्रेशर जो है वो पड़ रहा है। और अल्टीमेटली उससे होता क्या है, आपका लैंड डिग्रेड हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, जो सॉइल की बायोडाइवर्सिटी है वो उसको नुकसान हो रहा है, और पेस्ट एंड डिजीज के अटैक जो है वो बढ़ रहे हैं। ओके, कंटिन्यूअस यूज आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का कर रहे हो, उससे आपके सॉइल के अंदर एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद आपकी इकोलॉजी और एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर तो इंपैक्ट पड़ ही रहा है, जो आप पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हो, तो ये इसके मेनली लिमिटेशंस हैं। उसके बाद आप कंक्लूजन के अंदर पॉइंट्स डाल सकते हो। कंक्लूजन के अंदर देखो, एक होलिस्टिक सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। यहां पर कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूं और फिर बताऊंगा कि होलिस्टिक सोल्यूशन में क्या डालना है। देखो जी, आप लिखो कि किसी भी चीज को ना तो पूरे तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। आंसर के अंदर अगर किसी पॉलिसी या किसी स्कीम या किसी सरकार के इनिशिएटिव के ऊपर सवाल आता है ना, कभी भी ये नहीं लिखना कि ये तो फेल है, ये तो बेकार है, ये तो खत्म है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे कभी भी आंसर नहीं किए जाते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि कल आप उन लोगों में से होंगे जो पॉलिसी बनाएंगे, जिनसे सजेशन लिए जाएंगे, तो कभी भी उस इंसान को सूटेबल नहीं कंसीडर किया जाता जिसको सिर्फ कमियां दिखती हैं। ठीक है, आपको एक पॉजिटिव नेचर रख करके चलना होता है जब आप सरकार के अंदर जाते हो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज अ मेजर अचीवमेंट फॉर मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली इंडिया, एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए काफी अच्छा बूस्ट था। ठीक है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया देश के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, ठीक है जी, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि कुछ फैक्टर्स को कम अटेंशन दी गई। ठीक है, जैसे एनवायरमेंट हो गया, उसको कम अटेंशन दी गई, पुअर फार्मर्स की डेवलपमेंट के ऊपर खास काम नहीं किया गया, फार्मर की एजुकेशन के ऊपर कुछ खास काम नहीं किया गया जिससे उसकी केमिकल की जो नो हाउ है वो इंप्रूव हो। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो कि वे फॉरवर्ड क्या है, कि पॉलिसी मेकर्स अब इनके ऊपर टारगेट करें, ताकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स हैं वो बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। ठीक है, ताकि और उसको एनवायरमेंट सस्टेनेबल बनाया जा सके, जो पास्ट के अंदर गलतियां हो गई उससे सीख करके हमें नए इनिशिएटिव्स लेने हैं। अब इसके बाद आप उन इनिशिएटिव्स को हाईलाइट भी करो, बस जिक्र एक लाइन के अंदर, इनिशिएटिव्स लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड, जो सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, ताकि फार्मर्स जो है वो एक नोन डिसीजन ले सके फर्टिलाइजर यूज से रिलेटेड। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मर का जो फार्मिंग का जो प्रमोशन हो रहा है, ठीक है जी, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत उसको आप हाईलाइट करो, एवरग्रीन रेवोल्यूशन को आप हाईलाइट करो। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं जो आपके आंसर के अंदर लास्ट में दो लाइनों के अंदर हाईलाइट होने चाहिए, कि सरकार ने एक लेसन लिया है ग्रीन रेवोल्यूशन की जो मिस्टेक्स हुई या ग्रीन रेवोल्यूशन की जो लिमिटेशंस हैं उससे एक लेसन लेकर के सरकार इन इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रही है। अभी वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, 400 वर्ड से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, लेकिन इसको समराइज करके आपने 400 वर्ड के अंदर अब डालना है। ठीक है, तो अगर किसी ने लिख करके भेज भी दिया था और मैंने उसका चेक भी कर दिया, तो वो दोबारा लिख करके भी भेज सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब एक अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया था, वो जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे वो सॉइल साइंस का क्वेश्चन था और सॉइल साइंस के स्टूडेंट के हिसाब से दिया था, पर जनरल स्टूडेंट्स भी उसको लिख सकते हैं। एंड द क्वेश्चन वॉज एक्सप्लेन द सॉइल जेनेसिस, जनरल पेपर के अंदर भी ये आ सकता है, एक्सप्लेन द सॉइल जेनेसिस, 15 मार्क्स, 600 वर्ड्स। ठीक है जी, ये आपको लिखना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, एंड वी'ल सी इन द नेक्स्ट, वी'ल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन प्लीज पढ़ते रहें, आंसर्स लिखते रहें, एंड दिस वाज द 13th सेशन, तो 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इनको लिखो,
ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखे हैं 13 क्वेश्चंस लिखो, और ऐसा नहीं है कि लेक्चर आ चुका है तो अब वो चेक नहीं होगा, लिख करके आप भेजो, चेक हो जाएंगे। अच्छा, एक बार में ना मैं ये दो या तीन ही आंसर चेक करता हूँ एक सिंगल सिटिंग में जब मैं बैठता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू कीप माय माइंड कंप्लीटली फ्रेश जब मैं पेपर चेक करता हूँ। तो कई बार वो आपको लगेगा कि सर मेरा पेपर चेक होकर के नहीं आया, बाकी होगा सेम क्वेश्चन चेक होकर के आ गया, वो इसीलिए है ताकि एफिशिएंसी उतनी ही रहे माइंड की व्हाइल चेकिंग द पेपर। ओके ओके गाइस, एंड प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेक्चर को शेयर जरूर करें, एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ओके, चलिए, टेक केयर एंड बाय।